बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम मेरे वालों, सारे मेरे भैणां ते भरावां नूं अल्लाह पाक हमेशा तुहानूं खुश रखे, आबाद रखे। जिहड़े दुख तकलीफां अल्लाह पाक तेरे दूर करे, तुहाडी जिंदगी च खुशियां ही खुशियां भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने तो पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर तुसीं साडा चैनल देसी विलेज ब्लॉग सबसक्राइब नहीं किया तो इहनूं सबसक्राइब कर लो, जिहड़ा बैल का बटन इहनूं प्रेस कर लो ताकि साडी आने वाली हर वीडियो बर वक्त इहनूं मिल सके। अच्छा जी, चौधरी साहब और भाई शाहद गए सी बाजार, तो उन्हां दे आंदे नूं मैं अग जलाई सी। इह देखो चुल्हे च अग जलन दई आ, तो हुण मैं सारा फर्श धोता वा, तो चुल्हिया ते साबण वाली टाकी फेरी आ, चुल्हे धोते आ, कमरे धोते आ, सफाइयां कीतियां, फर्नीचर साफ किया, सारे काम किए आ। तो बजुजमा भी आ गई आ, तो कुछ चीज़ा बजुजमा बनाएगी तो बजुजमा वीडियो बनाएगी, कुछ चीज़ा मैं बनाऊँगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी। बहुत ही खास मेहमान आ रहे, बहुत ही खास मेहमान आ रहे और बहुत दूरों आ रहे। तो बजुजमा ने मेरे खाना बनवाना वा, चलो मैं कहा मेरी भैन की एक वीडियो तो बननी चाहिए है ना। हाँ जी, बजुजमा भी चेंज कर लिया, मैं भी चेंज कर लिया वा, तो चुल्हे च अग जाली है। कुछ चीज़ अं चुल्हे पकावे क्योंकि सिलेंडर तो फिर नाले सिलेंडर का इन्ना प्रैशर नहीं है। तो बजुजमा जो पकाएगी, कुछ भी चीज़ा मैं पकाऊंगी, कुछ बजुजमा पकाएगी। ए मैं अग जलाई सी सुबह, इदा बजुजमा मोटिया लकड़ियाँ ला के ना रख दिया करना वा, नाले तो अग सेकी तो नाले अग जल्दी है ना। तुम जड़िया चीज़ा अपन पका लिया ना तुम रख लो, ठीक हो गया। पहले तो असं दोनों भैनों गंढा लसन बना वा, तो पहले मैं जी सफाई की वो अपने भैन भाइयों की खा देव। अच्छा जी, सारा फर्श धोता वा, फर्श धो के पिछे वाइपर फेरिया वा, तो है तो सब अपनी जो चीज़ा लैके आए थे, कैचअप, केक, बोतल, केले, अनार, सेब, पानी नैसले का जूस, तो आलू, यह चीज़ा हो गई। यह सारा मैं फर्श धोता वा, ये कुछ ये चीज़ा पईयां रहन, गोश्त जेड़ा सी बकरे का वा और देसी मुर्गा वा, यह भी धोता वा कमरा, फिर वाइपर फेरिया वा। तो देसी मुर्गा पीस, चावल सब्जियां बनावांगे, तो हुण मैं सी ना मसाले बना लिए पहले। अच्छा जी, नींबू, प्याज, अदरक ते लहसुन इत्थे पिया वा, मैं लगान लगी हाँ पीसा नूं पानी। तो फिर है सालन का पेस्ट भी बनाना वा, अदरक लहसुन, तो मैं पहले इन्हें कुट लवां हुण। अच्छा जी, अदरक का लहसुन का प्याज का मैं पानी लगाया वा, तो हुण मैं थोड़ी थोड़ी ना चीज़ा पा रही हूँ, गर्म मसाला पाया वा, लाल मिर्च पाई है, तो नमक थोड़ी जिनी, हल्दी थोड़ी जी, दड़ा मिर्च कुटिया है, धनिया, तो अच्छी तरह ना मिक्स कर लैनी हूँ जी। पीसन में सारा मसाला लगा लिया वा, नींबू भी लगाया वा, सिरका भी थोड़ा जहा लगाया वा, तो बाकी मैं मसाले अपने भैन भाइयों दिखाए हैं, तो इन्हें मैं हम रख देना फ्रिज, तो थोड़ा जहा तिक्का बोटी वाला मसाला भी लगाया वा, इन्हें फिर बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो हम मैं इन्हें रख देना फ्रिज, सारिया चीज़ा पका के इन्होंने एंड से फ्राई करूँगी, कम से कम दो तो तीन घंटे इन्हें मिल जाने तो उन्नी ज़्यादा मज़ेदार बन गए। अच्छा जी, देसी मुर्गा पकाना, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर मिर्चा, उधर चावल पकाने, तो आलू तो गाजर भी कट के रखी वा, चावल मैं निकाल ले। अच्छा जी, फ्रूट सारा मैं धो के रखिया वा, तो अच्छा जी जे सही सही सेब और रखूँगी, जे कोई दाग लगा वा वो बाहर निकाल लेना वा। अच्छा जी, यह भी दाग वाला इन सैड तो करा, तो नाल रख दी हूँ इत्थे फ्रैश माल्टे, तो मैं हूँ बूटे अपने तो तोड़ के लैके आई हूँ। ये बड़ी टोकरी इदा कर लैनी हाँ, ये रख लैनी हाँ अनार यह टोकरी छोटी है, चलो आ जाने। चलो जी, हुण मैं चूरी फ्रूट वाले कट के रखा, फिर चौधरी साहब हुणी लै जाणगे, तो ऐ देखो माशाल्लाह। अच्छा जी, अगे माचिस तो बगैर चुल्हे जल जाते थे, मैं धो लिए, तो इस करके हुण मैं माचिस ना जलाया, कढ़ाई लै ली, कढ़ाई मैं पानी ऑयल मैं बना ली हाँ देसी मुर्गा, बस इन्नी ऑयल पाना, बहुत ज्यादा नहीं पाना,
ऑयल अच्छी तरह ना गर्म कर दिया। काली मिर्च, खड़े मसाले, बैठे मसाले सारा कुछ लिया के कोल रखे खड़े मसाले बैठे मसाले खाना रख दिए एक चीज पकानी है। हाँ जी, कुछ वीडियो खाने दी मेरे चैनल पे आएगी, कुछ उस मापी दे आएगी। जी बिल्कुल, हाँ जी जी बिल्कुल मैं तो वजह से वीडियो दे हूं मतलब तंदुरुस्ती दे। अच्छा जी, ऑयल गर्म हो गया, प्याज पालनी है, प्याज हल्का फ्राई कर दी हूं। तेल लगा दूं तो गैस भी हल्की मेरी नहीं भरा जाएगा, खत्म नहीं होएगा। अच्छा जी बाजी, उदमा धनिया साफ करके कट्टन दई आ शहजादी भैन मेरी, ते मैं इधर सालन बना रही हूँ। मैं पा लैनी हाँ अदरक लहसुन का पेस्ट ते टमाटर मिर्चा। प्याज साढ़े हल्के फ्राई हो गए हैं, मिक्स कर दिया तो टिकर पका ली जी, तो टमाटर साढ़े अच्छी तरह जरा नरम नहीं हो जाते। दो जगह तो मेहमाना नहीं आना, हले कोई मेहमान नहीं अपड़िया साढ़े घर इंतजार कर रहे। अच्छा जी, मैं पानी हाँ पौधे मसाले खत्म हुए से सारी परे, हल्दी, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, कुटिया धनिया, जीरा, नमक। मिक्स करती हूँ तो दो तो तीन मिनट वास्ते बनाई कर दी हूँ। थोड़ी सी ना काली मिर्च भी मैं पाई है। अच्छा जी, पाउडर मसाले पा के तीन तो चार मिनट वास्ते बनाई की थी। पाउडर मसाले की बनाई अच्छी तरह हो गई है। हम मैं पानी हाँ गोल, नाल में पा दी हाँ लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, तो छोटी इलायची। मिक्स कर दी हूँ 20 मिनट वास्ते ना मसाले दे विच भुनाई कर दी हूँ। अच्छा जी, कलेजी मैं निकाली हूँ, भाई शायद भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन ये आन सुन मेरा आ रहा वा, उस वास्ते मैं कलेजी निकाल के रख ली है। तो मैं हम हल्का जहा बस पानी लगाऊंगी, भुनाई अच्छी तरह हो गई है। कलेजी ढक लैनी हूँ, जो ईयान आया समान खा लेंगे तिने बजे। जो भी मैं कलेजी निकालती मैं बहुत ज़्यादा याद आई प्याज की, थोड़ा जहा पानी होर लगा लैनी हूँ कि अच्छी तरह पानी में पका लैनी हूँ। बस इन्ना कर पक के जरा, चलो जी तो कवर कर दिनी हूँ, पानी चंगी तरह ना पका लैनी हूँ। अच्छा जी, मेहमान आ गए आप लोग, और यह सेब मैं दिनी हूँ मेहमानों, कलेजी देती बच्चों, तो मैं सेब भी दिनी हूँ जी। अंडे मैं पा ले, नमक भी पा लिया, अंडे उबल जान तो इधर सालन बस पानी पक चला वा, मैं तेल छोड़ना शुरू कर दिता सालन। अच्छा जी, पानी पक गया वा, तो हम मैं पा ली हूँ धनिया। माशाल्लाह, एक मेहमान आ गया, दूसरों का हले कुछ पता नहीं है। मिक्स कर दी हूँ तो दो तीन मिनट वास्ते पका के फिर दूसरी साइड मैं इधरली साइड पर जाए रख दी हूँ। चलो जी, सालन बिल्कुल तैयार है। अच्छा जी, हम मैं कवर करके नीचे उतार दी सालन।
सॉरी गर्म मसाला पाना, गर्म मसाले का यार बहुत गला सी। अच्छा जी इधर साइड थे मैं चाय रख लिया, अंडे ढक्कन रख दिनी हाँ, अंडे बस उबल चले हैं, सालन में उतार के उत्थे रख दिता वा। अच्छा जी फ्रूट केक मैं पाले, अंडे भी छिल ले हैं, मैं कप्पा चाय पा के मेहमाना दिनी हाँ। अच्छा जी घ्यो मैं पा के रख लिया वा, ऑयल नहीं पाया मैं, घ्यो पाया वा, तो गर्म कर दी हूँ पीसा, कम से कम 4 to 5 घंटे हो गए हैं मसाला लगा के रखे हुए हैं, अच्छी तरह मैरीनेट हो गए हैं। की कहना यार, यार ने की कहना मेरा सोना भाई अपने दे जूता ले गया। अच्छा जी घ्यो गर्म हो गया वा, हुन मैं जेड़े पीस आ चुक के जो पीस है दो पूर कर ली, अच्छी तरह इन्होंने ना फ्राई कर दी हूँ। कहनी खानिया ने आ लता ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪਕਾਣ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਆ ਚਾਵਲ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ? ਚਾਵਲ ਆਲੇ। ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਆ? ਮੈਂ। ਤੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਵਾ? ਬੇਟਾ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਮੈਂ। ਬੇਟਾ ਮੰਮਾ ਦਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਦਾ? ਇਹ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ। ਚੋਟ ਆਈ, ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁਣ? ਬੋਤੀ ਬੋਤੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਆ ਬੋਤੀ ਪੱਕਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਆਪ ਆਪ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈ? ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਪੱਕਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ? ਪਕਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸੀ? ਅੰਟੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। गन्ने भी शाम नु खावा। हाँ जी चावल बोटिया, चावल बोटिया, कैचअप बोटिया ना खाना है ना। आई हाँ छल के छिड़की जाओ जी सर। आई नुमान है बेटा के ना मेरा, ते स्कूल जाना वा, स्कूल जाना भाई के नाल, भूख लगी आ मैं बोलियां बना दी, मैं अपने बेटे ने देनिया, तुसीं धुप्पे बैठ जाओ ठीक आ। मैं धुप्पे बैठना। अच्छा जी सरसा वालों मैं पीस चेक कराया, देखो फ्राई होया कि नहीं, हो गया वा हाँ। मजेदार है। अच्छा जी हुण ये पीस मैं नाल लग दी अपना बच्चियां नूं दे देने आ, येला पूर फ्राई हो गया वा हुण मैं दिनी बच्चियां नूं। अंडिया जोश ने बकरे दा गोश्त, देसी मुर्गा और पीस फ्राई कीते आ नाल चावल। अच्छा जी हुण असीं दिने आ मेहमानां नूं खाना, ते वीडियो तो मैं इतनी कर दी, ऐसी साड़ी आई जी वीडियो, अगर साढ़े भैन भाइयों अच्छी लगे लाइक करे और शेयर करे और सानते हुए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।